टारगेट भी था सर में। सभी दोस्त जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं, लाइव आ जाएं आप लोग। सभी दोस्त जल्दी से लाइव आ जाएं। चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा गुप्त काल। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुप्त काल। गुप्त काल के टॉप 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, शेयर कर देंगे, एक बार कमेंट करके बता देंगे वॉइस क्वालिटी वीडियो क्लैरिटी के लिए। बेहतरीन तरीके से सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। बेहतरीन तरीके से सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। लाइव आ जाएं सभी बच्चे, आ जाओ गाइज। सभी बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाएं, कमेंट कर देंगे। एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, जो भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो एक बार उस ग्रुप में शेयर कर देंगे। शेयर कर दे जल्दी से। ठीक है चलिए प्रश्न नंबर एक को देख लेते हैं। टॉप 40 प्रश्न है, गुप्त काल आज का टॉपिक होगा और गुप्त काल से संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर एक की तरफ। प्रश्न नंबर एक है, गुप्त काल का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तीन ऑप्शन आपके सामने हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? गुप्त काल का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त था। और किसी को पता है गुप्त काल का शासन कब से कब तक चला था? कमेंट करके बताएंगे। गुप्त काल का शासन कब से कब तक चला था कमेंट करके बताएंगे, किसी को पता हो तो। चलते हैं प्रश्न नंबर इसके तरफ। गुप्त काल के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? आंसर करेंगे गुप्त वंश के या गुप्त काल के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी बच्चों? आंसर करेंगे। आंसर करेंगे सभी लोग। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्या हो जाएगा बच्चों? चंद्रगुप्त प्रथम ने। वेरी गुड, जिसका डीवी हो गया बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, जिनका डीवी रह गया है और जिनका हो गया उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस सिलेक्शन जैसे ही हो जाता है ग्रैंड पार्टी करेंगे आप लोगों की तरफ से। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? बच्चों याद कर लेंगे संस्थापक जो था, अगर संस्थापक पूछे फिर बता देता हूँ, संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त बच्चों ठीक है। महाधिराज की उपाधि, महाधिराज की उपाधि पूछे तो कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। संस्थापक श्रीगुप्त, महाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम। और यहाँ पे पूछ रहा है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से था कौन सा व्यक्ति था जो कि महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था बच्चों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। कौन था बच्चों? आर्यभट्ट था। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। आर्यभट्ट ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, आर्यभट्ट ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, अर्थशास्त्र। और बाण भट्ट की पुस्तक के नाम, बाण भट्ट की पुस्तक का नाम बताएंगे। बाण भट्ट की पुस्तक, बाण भट्ट का पुस्तक कौन था? कोई बताएगा बाण भट्ट की पुस्तक का नाम कोई बताएगा? चलते हैं प्लस नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? बाण भट्ट की एक रचना है हर्षचरित, हर्षचरित याद रखेंगे। बाण भट्ट की एक रचना है हर्षचरित, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बच्चों बाण भट्ट की, हर्षचरित। और फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी
वो क्या थी बच्चों? तो संस्कृत थी। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी बीजों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? आंसर करेंगे सभी गाइस। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी बीजों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन, तो याद रखेंगे जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, कालिदास की रचना है कुमार शाकुंतलम, कालिदास की रचना है। चलते प्रश्न नंबर इसके तरफ। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था बच्चों? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। आंसर करेंगे सभी लोग, शेयर कर देंगे एक बार। जो बच्चे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर दो गाइज, दबा के शेयर कर दो सभी लोग। ऐसे मायूस ना करो आप लोग, शेयर कर दो। हाँ, कल और परसों, यानी कल कौन सा दिन है? शनिवार, शनिवार और रविवार आपकी क्लासेस क्या होंगी? रविवार तो बंद ही रहती है, रविवार तो पहले भी क्लोज रहती है, शनिवार भी आपकी क्लोज रहेगी। शनिवार और रविवार दोनों दिन क्लासेस आपकी अजय सर वाली क्लोज रहेगी। शनिवार और रविवार अजय सर वाली क्लास जो आपकी क्लोज रहेगी, क्योंकि पीसीएस का पेपर है उनका, 12 तारीख को यूपी पीसीएस का पेपर है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य। गुप्त राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। चलते हैं प्रश्न नंबर इसके तरफ। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में हैं। अजंता पूछ ले या एलोरा पूछ ले, गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। और इन गुफाओं में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, बस तीनों धर्म के लोग इसको मानते हैं, जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। और किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से संबंधित है बच्चों। ठीक है बच्चों, गुप्त काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? आंसर कर देंगे गाइस सभी लोग, राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त वंश में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, उत्तर गुप्त वंश में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? और वो था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं। एरड अभिलेख का संबंध किस शासक थे? एरड अभिलेख, एरड अभिलेख का संबंध किस शासक थे बच्चों? आंसर करेंगे जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त बच्चों, भानुगुप्त इज करेक्ट आंसर। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज था, भारत संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था? मौर्य काल था, राजपूत काल, चोल काल है, गुप्त काल। तो याद रखेंगे जब भी भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग पूछे तो आपको गुप्त काल लगाना है। ठीक है बच्चों, गुप्त काल लगाना है। और स्थापत्य कला का पूछे, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पूछे, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पूछे, तो आप लगाएंगे मुगल काल, मुगल काल। और किसके समय में सर्वाधिक स्थापत्य कला ज्यादा प्रचलित थी? तो ये हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां के समय में स्थापत्य कला ज्यादा फूली फली फूली थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। फयान कहाँ का निवासी था? किसके शासनकाल में आया था? कहाँ का निवासी था? आंसर करके बताएंगे फयान, आंसर करेंगे बच्चों जल्दी से, क्विक आंसर करेंगे फास्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एक चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध भिक्षु था कह सकते हैं, चीनी बौद्ध भिक्षु था बच्चों। क्या था? चीनी बौद्ध भिक्षु था जो
यात्री भी था, लेखक भी था और अनुवादक भी था बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ, चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट की तरफ। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? और याद रखेंगे एक क्वेश्चन, मैं आपको और बता देता हूँ, चलिए इसका आंसर बता दें 13 नंबर का, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज की संज्ञा दी गई है। इसमें देख लेते हैं, फयान पूछे किसके शासनकाल में आया था भारत, तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं, या इन्हीं को विक्रमादित्य बोला जाता है, विक्रमादित्य बोला जाता है, विक्रमादित्य बोला जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या इन्हीं को विक्रमादित्य की संज्ञा दी गई है। और विक्रमादित्य के ही समय से, ठीक है बच्चों, विक्रम संवत शुरू किया था, विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी, विक्रम संवत और शक संवत आपने पढ़ा होगा, शक संवत जो कि कोई पूजा पाठ होता होता जो पंडित जी लोग बताते हैं, विक्रम संवत शक संवत लिखा होता है, शक संवत, वो विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी विक्रमादित्य ने ही की थी, विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी बच्चों, याद रखेंगे। कब की गई थी किसी को भी पता हो तो कमेंट करके बताएं, किसी के पास जन्म कुंडली हो ना तो उसमें देखने को मिल जाएगा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? आंसर करेंगे, भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, आंसर करेंगे जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताएंगे बच्चों, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी और इसके आंसर देखते हैं कितने लोगों को पता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया बच्चों, पहले इसका राइट आंसर बता देते हैं, बोध गया। और अब विक्रम संवत की शुरुआत पूछे बच्चों, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। विक्रम संवत आपका कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत तो आप याद रखेंगे 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, यानी आपका जन्म कुंडली जो होगी ना बच्चों, आप जो जन्म कुंडली में कैसे होता है देखो, अगर विक्रम संवत आपका, आपके जन्म कुंडली में विक्रम संवत का लिखा हुआ है, अगर विक्रम संवत लिखा हुआ है तो आपका जन्म अगर मान लो को 1990 में हुआ है, उसमें 57 ऐड कर लेंगे, 57 ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 7, 9, 5, 14, 9, 1, 10 और 2, 2047 लिखा होगा उसमें। तो अगर 2047 आपका विक्रम संवत लिखा हो तो समझ लेंगे उसमें 57 घटा देना है, आपका जन्म 1990 में हुआ है। तो जब भी अगर ऐसे पूछ ले कि वर्तमान में, ठीक है बच्चों, 2022 का विक्रम संवत क्या होगा, ऐसे पूछ लेता है तो 2022 चल इसका विक्रम संवत क्या होगा, तो 57 साल इसमें ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 57 साल ऐड कर लेंगे तो 2077 79 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों, 79 हो जाएगा। अब शक संवत की बात करें तो शक संवत में क्या होता है, अगर आपका जन्म मान लो कि 2000 में हुआ है, 2000 में हुआ है, इसमें शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, ठीक है बच्चों, 2000 में से क्या घटा देंगे, 78 घटा देंगे, तो शक संवत अगर लिखा है तो 2000 में 78 घटा देंगे तो 1900 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में और विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी वो हुई थी कब हुई थी बच्चों, तो 57 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में जब पूछा जाए तो इसमें जोड़ लेंगे 57 साल, और ईस्वी जब हम शक संवत पूछा जाए, यानी जब विक्रम संवत पूछा है 57 साल ऐड कर लेंगे, और जब विक्रम संवत पूछा जाए तो क्या करेंगे, 78 साल इसमें से घटा देंगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? इतने बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, ये स्मार्ट बोर्ड लग जाने दो बच्चों, फिर देखो धुआं धुआं कर देंगे, इतने बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई कराएंगे ना, पैट एनम यूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कराने वाले हैं, अभी जो ट्रेलर चल रहा है ये,
और मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती, जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा उस पर लिखने में मजा आएगा और आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त काल में। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे बच्चों? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता शेयर कर देंगे सभी लोग, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। कौन थे बच्चों? विष्णु इज करेक्ट आंसर। मेहरौली स्थित लव स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? लव स्तंभ है, मेहरौली स्थित लव स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चतुर्थ सदी में हुआ था। धनवंतरी थे, धनवंतरी के बारे में पूछा, धनवंतरी थे, आंसर करेंगे बिल्कुल एनम का भी चलेगा बीना जी, धनवंतरी के बारे में बताएंगे 18 नंबर। तो राइट आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में राज दरबार के नवरत्न में से एक चिकित्सक थे बच्चों, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार थी? पूछा जाए धनवंतरी कौन थे, तो धनवंतरी एक चिकित्सक थे जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त, हाँ देखो ठीक है, शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे? नवरत्न थे। और अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे और अकबर के दरबार में भी नवरत्न, शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान थे, सबका अलग अलग पद होता था बच्चों। और राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजतंत्रात्मक। ठीक है बच्चों, राजतंत्रात्मक का मतलब होता है, राजतंत्र का मतलब होता है बच्चों ऐसा देश जहाँ का शासन जो है राजा के हाथों में होता है। ठीक है, राजा के हाथ में समझ सकती हैं, राजा के हाथों में होती हैं, वहाँ पे शक्ति जो होती है जनता के हाथ में नहीं। राजतंत्र में क्या होता है? जो शक्ति होती है राजा के हाथ में होती है, शासक जो होता है राजा होता है, उसके हाथ में सब होता है, वो जो चाहे कर सकता है। ब्रिटेन में राजतंत्र है, वहाँ का जो शासक है यानी राजा है, सारी शक्तियाँ उसके हाथ में है। और लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जो प्रमुख होता है यानी लोकतंत्र में जो प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, यानी आपका भारत जो है, अपना भारत जो है वो लोकतंत्र है। और यहाँ जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ये भी निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है, तो निर्वाचित होता है, यहाँ पे निरंकुश नहीं होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो गलत लग रहा है, लोगों को गलत काम कर रहा है, तो उस सरकार गिर सकती है लोकतंत्र में। इसलिए भारत अपना लोकतंत्र यहाँ पे जो निर्वाचन प्रणाली के द्वारा शासन, जो प्रधानमंत्री हैं उनका निर्वाचन होता है, इसके प्रणाली के द्वारा ही प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। इन्हें समस्त जो शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है। ये पूछा जाता है कि लोकतंत्र में जो शक्ति होती है किसके हाथ में होती है, तो लोकतंत्र में जो संपूर्ण शक्ति होती है जनता के हाथ में, जनता जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है बच्चों, और गणतंत्र, तो भारत गणतंत्र भी है। गणतंत्र का मतलब होता है जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे राष्ट्र गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है बच्चों, राष्ट्रपति होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न मनुष्य की तरफ। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है कौन सा? आंसर करेंगे सभी लोग। जेएनएम क्लास अस्मिता जी शुरू हो जाएगी, स्मार्ट बोर्ड लगने के बाद जेएनएम एएनएम और बहुत सारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पे जरूर गया होगा, तो बताएंगे थोड़ा जल्दी से कमेंट करके। ये उत्तर प्रदेश में, मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और कौन कौन यहाँ गया है थोड़ा कमेंट करके बताएं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? बताएंगे देवगढ़ के मंदिर में कौन कौन गया, कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में, ये मैं बता दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय।
अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखकार लेखक हरिशेर किस शासन का दरबारी कवि था? देखो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिशेर। ये एक याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेर है, किस शासक का दरबारी कवि था? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और समुद्रगुप्त इस अभिलेख में जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, इसमें समुद्रगुप्त का जो चित्रण किया गया है, चित्रांकन किया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त जो प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख है, हरिश्चंद्र ने इसकी रचना की थी, और समुद्रगुप्त का जो चित्रांकन किया गया उसमें वीणा बजाते हुए इनको दिखाया गया है। इनका ये वीणा बहुत अच्छा बजाते थे। ठीक है, किससे, किस यंत्र से जुड़े हैं? तो वीणा से जुड़े हैं, याद रखेंगे आप लोग। किसी को नहीं पता दशावतार मंदिर? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? धमेक स्तूप, आंसर करेंगे जल्दी से। यहीं पे सारनाथ में ही अशोक चक्र है, अशोक चक्र है। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ये गुप्त। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? आंसर करेंगे, हे भगवान आप लोग यार, नहीं या हाँ कुछ तो बता दिया करो, नहीं और हाँ कुछ तो बता। दशावतार मंदिर आप लोग गए ही नहीं हो तो मैं बता दूँ, दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में है, ललितपुर देवगढ़, ललितपुर के देवगढ़ में है ये, ललितपुर के देवगढ़ में है दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश में, झांसी के पास है ये। ठीक है बच्चों, नो यस कुछ लिख दिया करो यार, जब आप लोग कुछ लिखोगे ना तो हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में। राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? आप ही हमारी ताकत हो, आप ही हमारी शक्ति हो बच्चों, शेयर कर दो दबा के एक बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। किस वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो आपको पता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुप्त वंश पढ़ रहे हैं तो गुप्त वंश, देखिए यहाँ पे तो आपको पता है गुप्त वंश पढ़ रहे हैं तो गुप्त वंश लगा देंगे, लेकिन बच्चों एग्जाम में ऐसे तो नहीं पता होगा ना कि किससे आएगा, तो याद रखना है आपको। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आंसर करेंगे, देखो बच्चों, एक है आपका जामा मस्जिद ये है दिल्ली में। मैं थोड़ा सा सही से लिखने की कोशिश करता हूँ, पहले इसका आंसर बता दे फिर बताता हूँ मैं। थैंक यू अर्चना जी, पीजीटी करण वर्मा। करण जी स्मार्ट बोर्ड लगने के बाद ही पीजीटी क्लासेस स्टार्ट हो पाएगी। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? तो चंद्र की स्मृति में बनाया गया है। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए देख लेते हैं, ये एक है आपका जामा मस्जिद दिल्ली। इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली में स्थित है, याद रखें, दिल्ली में जो जामा मस्जिद, उसको दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला जो दिल्ली में है, इसको किसने बनवाया था? इसको भी शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है बच्चों, और बताएंगे, क्वेश्चन आप पूछ लिया करो यार। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? अच्छा, गिरजा कुशवाहा जी, आएगी गीतू जी, बिल्कुल आएगी, आंसर करेंगे। किस, कौन सा अशोक कह रही हैं? क्या आंसर अशोक बता रही हैं किस चीज़ का? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गुप्त काल में ही स्त्रियों की बराबरी जो थी पुरुषों से थी, और इक्वेलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीना जी पूरा क्वेश्चन बताइए, किसके लिए कह रही हैं अशोक?
गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया था, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, कमेंट करके बताएंगे। गुप्त वंश ने कब तक शासन किया था? आंसर करेंगे कब से कब तक शासन किया था? जल्दी से आंसर करेंगे 319 से 500 ईस्वी तक। 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन काल रहा था बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त का शासन काल रहा था, गुप्त साम्राज्य का शासन काल रहा था बच्चों। ठीक है, कहीं कि आपको 550 भी देखने को मिल सकता है, 550 भी देखने को मिल सकता है बच्चों। चलिए प्रश्न मनुष्य के देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी बच्चों, आंसर करेंगे बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई थी बच्चों, बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई थी। एक बच्चों देश है दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान अफ्रीका का देश है सूडान, इसकी राजधानी है जुबा। जुबा इसने 2030 तक बाल विवाह खत्म करने का निर्णय लिया है, बाल विवाह खत्म करने का निर्णय, बाल विवाह पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है 2030 से। दक्षिण सूडान अफ्रीकन कंट्री है जुबा, ये करंट अफेयर संबंधित है। चलते प्रश्न मनीष की तरफ, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गिरिजा जी आपके लिए दुआ, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, आपके कहने से मैं दुआ नहीं करूँगा, आप हमारी जो शुभकामनाएं हैं सबके साथ हैं, आप सबका सिलेक्शन हो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी, इससे ज़्यादा खुशी हमें नहीं हो सकती। टीचर मेहनत करता है, वो चाहता है कि उनके बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, हमारा नाम होगा, आप हमारी तारीफ करेंगे, दूसरों से कहेंगे, और बच्चे पढ़ने आएंगे, जुड़ेंगे हमसे, हमें खुशी होगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें शक्ति मिलती है आप लोगों से। और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न मनुष्य की तरफ। सबसे पहले सोने के सिक्के पूछ ले, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीक ने। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। चलते हैं प्रश्न मनुष्य की तरफ, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिल से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख, आंसर करेंगे राइट आंसर हो जाएगा एरड अभिलेख से। एरड अभिलेख भानुगुप्त, भानुगुप्त से संबंधित है एरड अभिलेख। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न मनुष्य की तरफ, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है बच्चों, आंसर करेंगे आंसर करेंगे राइट आंसर हो जाएगा बयाना, भरतपुर और राजस्थान। ठीक है बच्चों, बयाना रेलवे स्टेशन भी है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर राजस्थान से प्राप्त किए गए हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहला? शेयर कर देंगे सभी बच्चे, लाइक कर देंगे, जो भी बच्चे चैनल में पहली बार उनको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, ठीक है बच्चों, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं एडमिशन नहीं लिए हैं, वे बच्चे जल्दी से एडमिशन ले लें, क्योंकि आप जितनी जल्दी एडमिशन लेंगे यहाँ पे ये जो फ्री वाला कोर्स है मैं बता दूँ बंद हो जाएगा, जितनी जल्दी लेंगे उससे नहीं बंद होगा, यानी जितनी जल्दी लेंगे आपके लिए सही रहेगा। ठीक है भाई, एडमिशन ले लें, 1499 रुपये फीस है, जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए 1499 है, जो बच्चे पहले से एनम का बैच खरीदे हुए हैं, जो ओल्ड बच्चे उनके लिए 999 है, ओल्ड बच्चे जो पहले से बैच खरीदे 999, और जो न्यू है उनके लिए 1499। कोर्स ले लें जल्दी, हम कोशिश करें स्मार्ट बोर्ड लग जाए, फिर वहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई कराई जाएगी, स्टडी कराई जाएगी बेहतरीन तरीके से। जो बच्चे नए लिए हैं एडमिशन ले लें। कितने बजे एडमिशन, किसने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है?
कमेंट करके बताएंगे कितनों ने नहीं लिया है, कमेंट करके बताएंगे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो राइट आंसर है वो रूपक। क्या कहलाते थे? रूपक। ठीक है बच्चों, रूपक कहलाता था, रूपक। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? आंसर करेंगे, आंसर करेंगे आंसर करेंगे आंसर करेंगे जल्दी से। और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन बच्चों छिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे है। और वो रूपक कहीं के रूप का भी देखने को आपको मिलता है, रूपक वाला को कहीं के रूप का भी देखने को। सुरेंद्र डीएसएफबी के लिए एडमिशन लिया, डीएसएफबी के लिए लिया था, इसके लिए आपको 999 रुपये देना होगा। जो नई लिए हैं जल्दी से ले लें। ठीक है बच्चों, अब बता दे रहा हूँ मैं। महाकुंभ चार जगह लगता है, चार जगह लगता है। एक है इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज। दूसरा है हरिद्वार में। तीसरा है आपका उज्जैन। और चौथा है नासिक। चार जगह महाकुंभ लगता है बच्चों, ठीक है। अब प्रयाग आपको पता है किस किस नदी के किनारे हैं? गंगा यमुना सरस्वती का संगम है यहाँ, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, ठीक है बच्चों। उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे। और नासिक किस नदी के किनारे है? नासिक किस नदी किनारे है? नासिक किस नदी के किनारे? कमेंट करके बताएंगे, बताएंगे जल्दी से। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखें गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। चार जगह महाकुंभ लगता है, एक इलाहाबाद प्रयागराज में, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा उज्जैन में, चौथा नासिक में। ठीक है बच्चों, याद है आपको? याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए, कहाँ कहाँ? इलाहाबाद यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इलाहाबाद संगम गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे। जो नहीं लिए ले लिए, ले लीजिए प्लीज, आप लोग ले लीजिए जल्दी से। नासिक, इलाहाबाद, अच्छा फराज नासिक इलाहाबाद कर रही हैं, गंगा, ठीक है बस, हरिद्वार, छिप्रा उज्जैन और गोदावरी नासिक। ये चीज़ें याद रखेंगे, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, इनका ही नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य इनका ही नाम है बच्चों। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने की थी, ठीक है। चलते हैं प्रश्न मन इसके तरफ। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या धातु विज्ञान से? राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। मिहिर कुल का संबंध है, मिहिर कुल, मिहिर कुल का संबंध है, बताएंगे जल्दी से। मिहिर कुल का संबंध है। मिहिर कुल का संबंध बताएंगे। तो राइट आंसर हुड हो जाएगा बच्चों। मिहिर कुल भारत में के ऐतिहासिक श्वेत हुड शासक था। ये जो था ये तोरामन, तोरामन का पुत्र था, तोरामन का पुत्र। तोरामन भारत में हुड शासन का संस्थापक था। और तोरामन कौन था? तो हुड शासन का संस्थापक था बच्चों, ठीक है। मिहिर कुल का संबंध हुड से है क्योंकि हुड जो मिहिर कुल है तोरामन का क्या था? मिहिर जो कुल है
क्या था? तुरामन का पुत्र था ये, तुरामन का पुत्र था मिहिर कुल, और तुरामन ने ही हुड़ वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चाणक्य का नाम भी विष्णुगुप्त ही है, चाणक्य का नाम कौटिल्य है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की, अभी मैंने बताया था किसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही, बताया ना ऊपर मैंने, बताया ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। 57 AD याद रखेंगे, 57 ईसा पूर्व। ठीक है, चलते हैं प्रश्न इसकी तरफ। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट जो लौह स्तंभ है वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण बने हुए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था बनवाना। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया था। इल्तुतमिश को क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने इल्तुतमिश को क्या बनाया? गुलाम बनाया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही गुलाम था और इसका गुलाम हुआ इल्तुतमिश। इसलिए पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का गुलाम था और उसको खरीदा, इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया, इसलिए ये हो गया गुलामों का गुलाम। और इसको बनवाया था, बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। और जब उसकी एक मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी, ठीक है, 5वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उस मंजिल को कंप्लीट कराया फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। एडिशनल जानकारी आपको देते रहेंगे। और इसमें इसलिए वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हो रहा है कि हजारों वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है आज तक। और आज का लास्ट प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, बच्चों आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच अस्मिता जी, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं बच्चे कॉल कर लें, कॉल या व्हाट्सअप, देखिए कॉल या व्हाट्सअप, कॉल या व्हाट्सअप हो जाएगा, इन दोनों नंबर में से कोई पे कर सकते हैं। 94-15-60-70-53 और 9807-58-64-77, 94-15-60-70-53 और 98-07-58-64-77 स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बच्चों क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हैं ना, तो फिर आपको सबसे बड़ी बात है कि आप और कहीं पढ़ेंगे तो आपको ENM के लिए गाइडलाइन नहीं दिया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कब फॉर्म अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम बताएंगे यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है बच्चों, आशा कुमारी थैंक यू। पढ़ाई के साथ साथ आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताई जाएंगी स्टेप बाई स्टेप, कब आपको क्या करना है, इसमें आपको समस्या नहीं होगी। गाइड सही गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा ENM से रिगार्डिंग, ENM से रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एडमिशन ले लो कॉल करके या व्हाट्सअप के, इन दोनों नंबरों में से बहुत मिनिमम फीस है, एडमिशन आप लोग ले लो। और बेहतरीन तरीके, जो बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे उनको ENM के लिए बेहतरीन डिस्काउंट दिया जाएगा, हो सकता है उनको फ्री भी कर दें। जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं ENM आने वाली वैकेंसी के लिए, हो सकता है उनके लिए फ्री कर दिया जाए, कोई कॉस्ट ना लिया जाए। तो जो बच्चे आज भी एडमिशन ले लेंगे, हो सकता है उन ENM के लिए फ्री कर दिया जाए, तो आप लोग एडमिशन ले लो। ठीक है बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है बच्चों, थैंक यू फराह खान, थैंक यू सो मच, थैंक यू माजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएंगे सभी लोग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अभी क्लास होगी उसको ज्वाइन करेंगे।